हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने बेटे का रूम ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से उसके बुक्स, टॉयज, बेड वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली मूव किया है एरिजोना से शिकागो। तो अभी तक मैं उसके रूम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी, उसकी बुक्स वगैरह सब अभी पैक्ड ही रखी हैं, कुछ भी अनपैक नहीं हुआ था। तो फाइनली आज सोचा कि मैं उसकी सारी चीज़ों को अनपैक करती हूँ और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती हूँ। डेली बेसिस पे आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपना रूम टूर, हाउस टूर, किचन टूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मैं बहुत मेहनत कर रही हूं, कोशिश कर रही हूं कि अपने पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूं, डेकोरेट कर लूं, फिर डेफिनेटली आप लोगों के लिए हाउस टूर, किचन टूर सब आएगा इस चैनल पर। तो देखिए, ये उसकी सारी बुक्स हैं, और जब मैं वहाँ से पैक कर रही थी तो मैंने सारी किताबें उसकी पैक कर ली थी, बिना ये सोचे कि वो कौन सी बुक्स अब रीड करेगा और कौन सी नहीं। तो अभी मैं उसकी बुक्स सेग्रीगेट करके ही ऑर्गेनाइज करूँगी इन बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिन्स में, जो मैंने डॉलर ट्री से ली थी। इनका काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है और गोविंद को ब्लू कलर काफ़ी पसंद है, तो मैंने ये ब्लू कलर में लिया है। अभी सिर्फ मैं वही बुक्स रखूंगी जो वो रीड करना पसंद करता है, और जो वो अब नहीं रीड करता है या आउटग्रो कर गया है जिन बुक्स से, उनको मैं अलग से सेग्रीगेट कर लूंगी और मैं वो डोनेशन सेंटर में डाल दूंगी। मैंने उसकी काफ़ी बुक्स का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स में, तो कुछ व्लॉग्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस अगर आपको चेक करना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में हर बुक के बारे में आपसे बात करूं अपने बेटे की, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू डू दैट। और ये ऑर्गेनाइजेशन बिन्स थोड़े से छोटे रह गए, तो उसकी ये एक्टिविटी बुक्स उसमें नहीं आ पाई जो थोड़ी सी बड़ी थी डायमेंशन में, तो इन्हें मैं अलग से रख दूंगी। ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर आपके बच्चे 2.5-3 साल के हैं, जो अभी बस प्री स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी की ये सारी बुक्स हैं। और अब चलते हैं उसके कुछ टॉयज ऑर्गेनाइज करने की तरफ। ये उसका मेगा ब्लॉक्स का बड़ा सा डब्बा है जिसमें काफ़ी सारे उसके टॉयज भरे हुए हैं, तो जब मैं वहाँ से पैक कर रही थी तो बस जल्दी जल्दी सब टॉयज भर दिए थे मैंने, अच्छे से पैक करके नहीं भेजे थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और पैकिंग बहुत ज़्यादा थी मेरे पास। तो अभी फाइनली मैं सब कुछ अनपैक करके अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करूँगी। इस बॉक्स में मेनली वो टॉयज़ हैं जो उसे पसंद तो हैं, बट वो अब आउटग्रो कर गया है एंड ही डजंट वांट मी टू गेट रिड ऑफ देम। सो मैं कोशिश भी नहीं करती कि उन टॉयज़ को फेंकूं, मैं रख ही लेती हूँ क्योंकि कभी कभी तो वो डेफिनेटली इन टॉयज़ के साथ खेलता ही है। तो ये कुछ उसके फ्रिज मैग्नेट्स थे लेटर्स वाले, वो मैंने इस तरीके से एक पॉलीथीन में अलग से पैक करके रख दिए हैं। पहले तो मैं अपने घर में फ्रिज पे उसको लगा देती थी, बट यहाँ पे फ्रिज जो है वो उसका सरफेस मैग्नेटिक नहीं है, तो ये मुझे इस तरीके से रखने पड़ रहे हैं अलग से। और ये उसका रेडियो है, कैमरा है, गन वगैरह है जो वो कभी कभी खेलना इनसे पसंद करता है, तो वो सब मैं इस डब्बे में इस तरीके से डाल के रखती हूँ। और ये उसकी वुडन ट्रेन है जो उसे बहुत पसंद थी कुछ टाइम पहले तक, बट डेफिनेटली अब वो बड़ा हो रहा है तो उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो इतने बड़े ब्लॉक्स से नहीं खेलना पसंद करता, अब वो लेगोस पे आ गया है। तो देखिए, उसकी वुडन ट्रेन भी मैंने एक पॉलीथीन में अलग से पैक करके रख दी है, सो जब भी कभी वो मुझसे मांगेगा खेलने के लिए तो मैं ईजीली उसको निकाल के दे सकती हूँ। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं काम कर रही होती हूँ उस टाइम पे मैं गोविंद को किस तरीके से एंगेज करती हूँ, तो देखिए जब मैं ऐसे सिट डाउन कुछ जॉब कर रही होती हूँ उस टाइम पे गोविंद मेरे साथ ही रहता है, और जनरली वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है और साथ साथ मैं उससे बातें करती रहती हूँ, तो उसको लगता है कि मम्मा उसके साथ प्ले कर रही है एंड वो हैप्पी रहता है। और इनकेस जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तब भी मैं उसको लेट करती हूँ कि वो अपने फेवरेट टॉयज़ के साथ किचन में बैठ के खेलता रहे, जिससे कि मेरी नज़र उस पे रहे। मैंने स्टार्टिंग से ही उसके स्क्रीन टाइम को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है टू 40 to 45 minutes at this age,
और मैं उसको जनरली जब वो अपना लंच या डिनर करता है तभी देती हूँ टीवी, एज ही इज़ अ वेरी वेरी फजी ईटर। सो टीवी देखते हुए वो आराम से खा लेता है राइम्स देखते हुए, बाकी टाइम वो ट्राई करता है कि अपने टॉयज़ के साथ ही खेले और मेरे साथ इंटरेक्ट करे। तो देखिए अभी सारे उसके टॉयज़ मैंने एक मेगा ब्लॉक के बॉक्स में डाल के रख दिए हैं जिसे मैं स्टोरेज की तरह यूज़ करती हूँ, और ये हमारी कंप्यूटर टेबल है जिसके दोनों कैबिनेट्स मैंने कोविन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेडिकेट किए हैं। तो ऊपर मैंने उसकी सारी रीडिंग बुक्स रख दी हैं और नीचे में मैंने उसकी एक्टिविटी बुक्स रखी हैं और कुछ नोटबुक रखी है जिसमें हम लोग स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन्स वगैरह बनाते हैं, कलरिंग करते हैं। तो बेसिकली ये एरिया पूरा गोविंद के सामान को डेडिकेट किया है। अब चलते हैं उसके थोड़े और टॉयज को ऑर्गेनाइज करने की तरफ। उसको मैच बॉक्स के जो छोटे छोटे टॉयज़ आते हैं ना, कार्स आती हैं, एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स वगैरह बहुत पसंद हैं और उसके पास इसका ह्यूज कलेक्शन है जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े बिन्स लिए हुए हैं, अगेन फ्रॉम डॉलर ट्री। तो एक बिन में मैं उसकी सारी जो कार्स वगैरह हैं वो सब रख दूंगी और दूसरे बिन में मैं उसके सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले टॉयज़ हैं वो रखूंगी। उसके पास प्लास्टिक की ट्रेन भी है जिसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं, तो वो मैं दूसरे बिन में डालूंगी जिससे कि जब उसे वो वाले टॉयज से खेलना हो तो वो उस बिन से पिक कर ले। एंड आई एम श्योर ये ऐसा सेग्रीगेशन बहुत दिन तक नहीं इंटैक्ट रहेगा, ऑब्वियसली वो सब मिक्सअप कर देगा, बट फॉर नाउ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो जब आप काम कर रहे होते हैं ट्राई करें कि अपने बच्चे को इस तरीके से एंगेज करने की कोशिश करें उसके टॉयज़ के थ्रू, बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू। इस एज के बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलना बहुत अच्छा लगता है एंड दे विल डेफिनेटली लव टू प्ले विद ऑल दीज टॉयज़, एंड इससे उनको स्क्रीन टाइम जो होता है उनका काफ़ी कम हो जाता है और उनके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, मेंटल स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ट्राई करें कि जितना हो सके बच्चों को टॉयज़ के थ्रू एंगेज करें। मैं भी बस इसी तरीके से कोशिश करती हूँ, बट डेफिनेटली इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं टुवर्ड्स स्क्रीन, टुवर्ड्स राइम्स। तो अगर आपके बच्चे को राइम्स देखना पसंद भी है तो आप अपने फ़ोन में राइम्स लगाकर बस एक साइड पर रख दें वॉल्यूम तेज़ करके, जिससे कि उसको राइम सुनते रहें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को राइम तो सुन रही है बट उसका स्क्रीन टाइम नहीं हो रहा है वो। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं अपने बच्चे के लिए फॉलो करती हूँ, होप करती हूँ आप लोगों को भी शायद हेल्प करें। और अभी मैं उसके बेड के ये पिलो केसेस चेंज कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे तो सोचा दूसरे चेंज कर देती हूँ। शीट तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने चेंज की थी और इस बेड का रिव्यू भी मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये किस टाइप का बेड मैंने उसके रूम के लिए लिया है। तो मैं बताती हूँ कि ये एयर बेड है, इटेक्सिटी ब्रांड से मैंने इसे लिया है। इटेक्सिटी ब्रांड ने मुझे पीआर पैकेज में इसे सेंड किया था एंड आई एम रियली लविंग इट। और देखिए ये इस डायमेंशन का बेड है, ट्विन साइज़ का बेड है और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 18 इंच हो जाती है और ये इस तरीके के पैकेजिंग में आया था। ऑलमोस्ट मुझे मंथ हो गया है और यू कैन से मंथ से भी ज़्यादा हो गया है इस बेड को यूज़ करते हुए। तो फाइनली अब मैं आपको इसका रिव्यू बता रही हूँ। और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था और इसके साथ एक ये यूज़र मैनुअल भी आया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। वैसे इसकी असेंबली बहुत ही ईजी है, देखिए इसका कितना स्लीक डिज़ाइन है और ये परफेक्ट रहता है अगर आपके कोई एक्स्ट्रा रूम है, बच्चों के रूम में डालना चाहते हैं या फिर गेस्ट रूम में, या फिर अगर आप बहुत कैंपिंग करते हैं तो भी ये बेड बहुत हैंडी रहेगा। इसके साथ एक वायर आती है जिसे बस आपको प्लग इन करना है और इसमें एयर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। विद इन लाइक 3 to 5 minutes ये अपनी पूरी हाइट गेन कर लेता है जो कि है 18 inches की। इसका सरफेस भी बहुत ही अच्छा है, थिक मटेरियल का है और पंचर रेजिस्टेंट है। अगर आपका ये सरफेस गंदा भी हो जाता है तो आप एक गीले कपड़े से इसे पोंछ लें तो ये इजीली क्लीन भी हो जाता है। तो अभी तक मेरा बेड गंदा नहीं हुआ क्योंकि मैं इसे बेडशीट से कवर करके ही रखती हूँ। तो देखिए ये पूरा अच्छे से फूल चुका है एंड मैं कहूँगी कि काफ़ी फर्म बेड है, नॉट लाइक आर ट्रेडिशनल वुडन बेड्स दो, बट
काफ़ी फर्म है और काफ़ी अच्छा है, तो मैंने गोविंद के रूम में ही इसे यूज़ करना सही समझा। अगर आप चाहते हैं इसे चेकआउट करना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करिएगा। और बस इसमें मैंने एक प्लेन शीट डाल के पिलो केसेस लगा दिए हैं और गोविंद का रूम अब फंक्शनल रहता है। और रूम को थोड़ा सा पर्सनलाइज टच देने के लिए अभी मैं कुछ उसकी फ़ोटोज़ लगा रही हूँ वॉल पर। जो उसकी पहली फ़ोटो मैंने लगाई है वो उसमें सिर्फ 11 आवर्स ओल्ड है, सेकेंड फ़ोटो में ही इज़ जस्ट 40 डेज ओल्ड, थर्ड फ़ोटो में ही इज़ 7 मंथ्स ओल्ड, एंड फाइनली जो फोर्थ फ़ोटो है वो उसकी फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा मैंने ओवर क्राउड नहीं किया, जस्ट मिनिमल थोड़ी सी फ़ोटोज़ लगाई हैं। और देखिए ये बेड देखने में इस तरीके का लगता है, सिंस इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने ये बेड ज़मीन में डाला हुआ है या फिर आपको इसके लिए बेड फ्रेम अलग से लेना पड़े। ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है देखने में, बैठने में और सोने में भी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ़ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन यू टेक केयर, बाय।